Good morning. It's 5-6 right now, and today we are going to a special place that is Narara Marine National Park. और अभी जल्दी इसलिए उठे हैं ताकि sunrise तक पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ से भी द्वारका से around 100 kilometers तक का रास्ता है. So let's go. तो हम आ गए हैं मरीन नेशनल पार्क में, जामनगर में, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है. और एक्चुअली हम अभी सी बेड के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि लो टाइड के जब लो टाइड आती है तब पूरा वाटर एकदम पीछे चल जाता है, मतलब लगभग 10-12 किलोमीटर पीछे चल जाता है पानी. और जो भी एनिमल्स यहाँ पे सी बेड पे होते हैं, कोरल्स, रीफ्स हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, वो सारी यहीं पर रह जाती हैं, जिसकी वजह से आप बिना डाइव करें या बिना स्नॉर्कलिंग या कुछ करें एकदम फ्लोर पर देख सकते हो. सो अभी हम टाइड पूल्स के पास पहुंच रहे हैं, और हमने अपने गाइड के साथ ये रॉक्स कलेक्ट में स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये रॉक्स के नीचे ही सारी स्पीशीज़ छुप के बैठी होती हैं. सो सबसे पहले हमें दिखा एक स्पॉन्ज. ये दिखने में अजीब सा पौधा जैसा लग रहा है, बट एक्चुअली में एक एनिमल है, अर्थ का सबसे सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल. इसकी बॉडी पर जो पोर्स प्रेजेंट है, ये उसी के थ्रू पानी अंदर लेता है और फीड करता है प्लैंकटन पे. ये पत्थर से ही चिपका रहता है, कहीं मूव नहीं करता. थोड़ी दूरी पर ही हमें बहुत सारे क्रैब्स मिलने लगे. क्रैब्स आर क्रस्टेशियंस डिफाइंड बाय द थिक एक्सोस्केलेटन और शेल. इनके पास 10 लेग्स होते हैं, इसलिए इनको डेकापोड्स क्लास में रखा गया है. सबसे आगे वाले दो को पिंसर्स कहते हैं, जिनकी हेल्प से खाना पकड़ते हैं और मुसीबत आने पर इसी से काटते भी हैं. बुलबुले फुला रहे हैं. ऑल्सो देयर आईज आर ऑन स्टॉक्स विच कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस एंड इवन रिट्रैक्ट व्हेन नीडेड. अंकुश, क्रैब कैसे चलता है? इनके पैर साइड में होते हैं, सो दे टिपिकली वॉक साइडवेज. यहाँ पर बहुत सारी एल्गी ग्रो कर रही है, जो कि यहाँ के एनिमल्स का खाना है. लोकली इस एल्गी को यहाँ पे प्लास्टिक एल्गी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये देखने और छूने में प्लास्टिक के पन्ने जैसे लगती है. हमारे गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे जनवरी में टर्टल्स, अक्टूबर स्टिंगरेस और सी अर्चिन्स वगैरह भी आते हैं, क्योंकि वो एल्गी पे फीड करते हैं और ये एल्गी इन रॉक्स पे ग्रो करती है. अभी फ़िलहाल उनके लिए, उन एनिमल्स के लिए ये वाटर वार्मर है. कुछ देर बाद ही हमें एक विचित्र सा प्राणी मिला, जो देखने में सी स्टार का पतला वर्जन लगता है. ब्रिटल स्टार. ये सी स्टार से ही रिलेटेड होते हैं, और ये ऑलमोस्ट दुनिया के हर ओशन में मिलते हैं. इसके नीचे की तरफ छोटे छोटे ट्यूब फीट भी प्रेजेंट होते हैं, जो इसे चलने में हेल्प करते हैं. इनमें सबसे मज़े की बात यह है कि इनके जो आर्म्स हैं, अगर ये कट भी जाएं तो ये उन्हें रीजनरेट कर लेते हैं.
तो अभी कोरल्स देखे दो तीन टाइप के, और अभी और स्पीशीज भी ढूंढने जा रहे हैं। हवा बहुत तेज है यहाँ पे। कोरल्स आर प्रिमिटिव एनिमल्स, इवन दो दे लुक लाइक वियर्ड अंडर वाटर प्लांट्स। दे आर इन फैक्ट मेड अप ऑफ टाइनी एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। ये मिलकर कॉलोनीज बनाते हैं जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है। दे आर होम टू अबाउट 25% ऑफ ऑल मरीन क्रिएचर्स। मोस्ट ऑफ द फूड कम्स फ्रॉम द एल्गी दे हाउस। But most of it that I've shot are highly degraded due to coral bleaching, which turned them white. As the seawater becomes warm, the algae dies and so does the coral. कैसा लग रहा है फील्ड ट्रिप पे आके, जवाब दीजिए। ठंडी लग रही है मैं। दोबारा आना चाहेंगे? आना चाहेंगे बट गर्मियों में, अब भी नहीं। सो यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है, तो यहाँ पर आने के लिए आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 किलोमीटर की लंबी वॉक है। तो यहाँ पे रिकमेंड इसलिए करते हैं कि शूज या बूट्स पहन के आए, क्योंकि चप्पल वप्पल पे पत्थर वत्थर लग जाते हैं। ये है नीमो का घर, आई मीन सी एनिमोन। ये एक सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, इसके बहुत सारे टेंटिकल्स हैं जिसकी मदद से शिकार करता है। एक्चुअली में इसके टेंटिकल्स पॉइजनस होते हैं, बट क्लाउनफिश पर इनका कोई असर नहीं होता, एज दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद देम। यू वांट दिस एनेमोनी टू स्टिंग यू? यस। इस फिश को आपने काफ़ी बार वीडियोस में देखा होगा, ये अपने अंदर हवा भर के अपने साइज से 3 गुना बड़ी हो जाती है। ये ऐसा अपनी प्रोटेक्शन के लिए करती है, ताकि ये किसी बड़ी मछली का डिनर ना बन जाए। Tell me in the comments one thing that you know about this animal. तो हम अपना वापस आ चुके हैं पार्किंग में, यहाँ पे ट्रेल ख़त्म करके, और यहाँ पे रेस्टोरेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो फिर आपको घर से खुद से लाना पड़ेगा। एक बात जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी वो ये था कि गाइड्स और जो भी लोग थे वो मतलब जो भी स्पीशीज़ उनको दिख रही थी, ऑक्टोपस वगैरह, उनको हाथ में उठा के एक तरह से डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मेरा आपके लिए सजेशन है कि इन केस अगर आप यहाँ पे या ऐसी कोई जगह पे जाते हो तो प्लीज़ स्पीशीज़ को दूर से देखें, मतलब उनको भी परेशानी नहीं होगी और आपके लिए भी सेफ रहेगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं देवांश ये वीडियो साइन ऑफ करता हूँ, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट एडवेंचर। पच 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 होता है। हाँ।